हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएफटी के बारे में, यानी कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। ये क्या होता है, इसे हम क्यों करवाते हैं और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें पता क्या क्या चल सकता है, और साथ ही आपको ये बताएंगे कि पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, जिसे हम शॉर्ट में पीएफटी भी कहते हैं, और साथ ही इसको एलएफटी भी कहा जाता है, लंग फंक्शन टेस्ट। तो पीएफटी कह लीजिए या एलएफटी कह लीजिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट या लंग फंक्शन टेस्ट, इन दोनों का मतलब एक ही है। इसके अंदर पीएफटी में बेसिकली तीन टेस्ट होते हैं, ये कोई सिंगल टेस्ट नहीं है। पीएफटी के अंदर तीन टेस्ट होते हैं, जिसमें पहला आता है स्पायरोमीट्री, सेकेंड है प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट और थर्ड है डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। पीएफटी आपका डॉक्टर कब आपको कराने को कहेगा? जब आपके डॉक्टर को आपके फेफड़ों से संबंधित कोई बीमारी के लक्षण नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको पीएफटी करवाने के लिए बोल सकता है। या आपको कोई पहले से फेफड़ों की बीमारी है, जैसे सीओपीडी है या अस्थमा है, या उनकी कोई मेडिकेशन चल रही है, तो वो मेडिकेशन आपके फेफड़ों पर कुछ असर डाल पा रही है, या उस कंडीशन में उस मेडिकेशन की वजह से आपको कोई सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा, ये जानने के लिए भी डॉक्टर आपको पीएफटी प्रिस्क्राइब कर सकता है। अब बात करते हैं कि पीएफटी करवाने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, जब भी आप पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाने जाएं, तो अपने डॉक्टर को पहले बता दें, अगर आपको पहले से कोई बीमारी है, सीओपीडी हो गई या अस्थमा हो गया, अगर उनकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो डॉक्टर को पहले से बता दें, क्योंकि जब आप पीएफटी करवाएंगे और ये मेडिकेशन आपकी साथ में चल रही है, तो वो इस टेस्ट पर असर डाल सकती है। तो आपका डॉक्टर आपको बता देगा कि आपको ये मेडिकेशन बंद रखनी है या चालू रखनी है। अगर बंद रखनी है, तो कितना टाइम पहले इस टेस्ट के वो आपको बंद करनी है मेडिकेशन। तो ये सब चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपको ज़्यादा खाना खा के भी नहीं जाना जब आप पीएफटी टेस्ट करवाने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना खा के जाएंगे, तो आप सांस अंदर ज़्यादा देर तक नहीं खींच पाएंगे या ज़्यादा लंबी गहरी सांस नहीं ले पाएंगे। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। पीएफटी से बेसिकली हमें पता क्या चलता है? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट से हमें कई सारी बीमारियों जो फेफड़ों की होती है, उनके बारे में पता चल सकता है, जैसे सीओपीडी हो गया, अस्थमा हो गया, एलर्जीज हो गई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो गए, पल्मोनरी ट्यूमर हो गया, या चेस्ट वॉल वीकनेस की जो डिफॉर्मिटीज़ होती हैं, वो हमें इस टेस्ट से पता चलती है। अब बात करते हैं कि भाई पीएफटी टेस्ट, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते कैसे हैं। देखिए, जैसे कि हमने बताया कि ये एक सिंगल टेस्ट नहीं है, तीन टेस्ट इसके अंदर हैं, जिसमें स्पायरोमीटरी आता है। तो स्पायरोमीटरी में, स्पायरोमीटर के अंदर आपको लंबी गहरी सांस लेने को कहा जाता है और लंबी गहरी सांस छोड़ने को कहा जाता है। दूसरा आता है प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट। इस टेस्ट में होता क्या है कि आपके फेफड़ों के अंदर मौजूद गैसेस कौन सी हैं, उनको नापा जाता है। गैसेस कितनी मौजूद हैं, उनको मापा जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं लंग वॉल्यूम। लंग वॉल्यूम का पता करता है डॉक्टर आपको। अब ये कैसे करता है कि आपको एक बूथ में ले जाया जाता है, उस बूथ के अंदर एक माउथपीस लगा होता है, और उस माउथपीस में आपको जोर से फूंक मारनी होती है, जिससे कि डॉक्टर को आपकी लंग वॉल्यूम का पता चल जाता है। थर्ड आता है डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है कि आपको कई सारी गैसेस के अंदर सांस लेनी होती है, जैसे कि हीलियम हो गई, ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो अब पता क्या चलता है डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट में, कि जब आप सांस लेते हैं, तो आपके फेफड़े ऑक्सीजन को खून तक और खून से कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो इन तीन टेस्ट की मदद से हम पीएफटी करवाते हैं, जिसमें आ गया स्पायरोमीट्री, प्लेथिस्मोग्राफी टेस्ट और डिफ्यूजन कैपेसिटी टेस्ट। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो थी जिसमें हमने आपको बेसिक जानकारी दी है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अगर आप इंडिविजुअल इन टेस्टों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आगे भी वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, पर आपकी फीडबैक ज़रूरी है उसके लिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।